बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां सियासी घमासान के बीच बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनावी जनसभा करने आजमगढ़ पहुंचे। लालगंज की लोकसभा की बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी के समर्थन में वो जनसभा करने पहुंचे थे। बसपा नेता आकाश आनंद ने इस दौरान विरोधी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। पहली बार आजमगढ़ जिले में जनसभा करने पहुंचे आकाश आनंद में बसपा का भविष्य साफ नजर आया। आकाश के ताबड़तोड़ राजनीतिक हमले किसी 70 के दशक के नायक के जैसे ही लग रही थी, जो रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़ता हुआ सीधा जनता के दिल में अपनी जगह बना रहा है। बसपा नेता ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस समाज ने विधानसभा चुनाव में इन्हें एक मुश्त वोट डाला, आज उस समाज पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। दलितों को चेताते हुए आकाश ने कहा कि जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल राज्यसभा में आया तो सबसे पहले विरोध समाजवादी पार्टी ने ही किया। आकाश ने कहा कि सपा के लोग बहुजन समाज ही नहीं, पिछड़े अति पिछड़ों के खिलाफ भी हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही और गद्दार कोई नहीं है। आकाश आनंद ने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव में दुश्मन हमारे बीच में रहकर साम दंड भेद का इस्तेमाल कर अंदर से हमें गुमराह और कमजोर करने की कोशिश करेगा। सामने से आकर वार करने के काबिल वो नहीं है। ऐसे में ये दुश्मन बहुरूपियों के रूप में आ रहे हैं। आने वाले समय में हमें इनसे सावधान रहना होगा, जिससे कि लोकसभा के चुनाव में बसपा को इसका फायदा मिल सके। वहीं आकाश आनंद ने जमकर बुलडोजर सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ये हमें भूखों मार रही है। लगातार बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। 10 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है और ये सरकार सिर्फ फरेब और धोखा देने वाली सरकार है। युवाओं को पकौड़े तलवाने को रोजगार बोलने वाली सरकार को शर्म भी नहीं आती। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से विफल है। ये 5 किलो राशन देकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी अन्य पार्टियां इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा यहां पर चंदा लेती है, बड़े बड़े धरना सीटों से चंदा लेती है, परंतु इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप जानते हैं किस एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम नहीं था। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिए। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत है। शिक्षा के नाम पर ये आपको डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, शिक्षा के नाम पे आपको डिजिटल इंडिया का नारा देंगे। पर साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर जो मजाक किया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों, आप जानते हो 65% सरकारी स्कूलों में, 65% सरकारी स्कूलों में आज एक कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है इन स्कूलों में। कैसे हमारा बच्चा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा? ये हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये इन्हें शिक्षा में कमजोर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी समाज को अगर आप तोड़ना चाहो, खत्म करना चाहो, तो उसको उसके इतिहास से दूर कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। इन्होंने वही किया है। इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है, हमारे को हमारे इतिहास से दूर रखने की कोशिश करी है। अब बताइए, पकौड़ा तलना कोई रोजगार होता है क्या? नहीं होता। अच्छी बात है आप मानते हो पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होता, क्योंकि कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो और ये भी रोजगार बन जाएगा। ये लोग कहते हैं इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है, इन्होंने आपको भी राशन दिया होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, आपके घर में रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। आप बताइए मां, आपने इनको इसलिए वोट डाला था कि आपको फ्री में राशन दे या अपने बच्चे को रोजगार दे? रोजगार के लिए डाला गया था। अगर आपने रोजगार के लिए वोट डाला था तो हाथ उठा दीजिए मां। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, उन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, मुफ्त में राशन दे दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे,
महंगाई के नाम पर क्या करा? आज पेट्रोल क्या दाम हो चुका है बताओ साथियों? 110 100 रुपए। अब दूसरा सवाल मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ, माँ गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है कितने का पैसे गैस सिलेंडर पड़ता है तुम्हें माँ? 1200 रुपए का माँ? 1200 रुपए। क्या बोलते हैं मोदी जी कि मैं अपनी माता और बहनों का खास ध्यान रखता हूँ, उन्हें मैं गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, सब्सिडी में दूंगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।